दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग, हेयर आई एम विथ माय ब्रांड न्यू डायमंड डायरेक्टर मिस्टर पंकज पांडे। कांग्रेचुलेशन टू मिस्टर पंकज सर। एक कपड़े की दुकान पर एक अनजान सी मुलाकात पंकज पांडे सर से। किसी और को गया था प्लान दिखाने के लिए, किसी और को ज्वाइन कराने के लिए गया था, और आप यहाँ पर बैठ करके सुन रहे थे। और मुझे नहीं मालूम था कि अनजान सी मुलाकात फार्मा में काम करने वाला एक व्यक्ति आज मेरा बिजनेस साथी बन जाएगा। और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, जी हाँ, मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, यूपी के अंदर है। उस जिले के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 26 सालों से लोग काम कर रहे हैं, और हम वेस्टिजियंस, यस वी कैन प्राउडली से, एंड दिस मैसेज फॉर द ऑल वेस्टिजियंस, कि वेस्टीज के ही बंदे ऐसे हैं और वेस्टीज कंपनी के ही ऐसे डायमंड निकले, जो अभी तक पांच डायमंड हम निकाल चुके हैं, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है। और मेरा भाई डायमंड डायरेक्टर बन गए, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप रक्षाबंधन के दिन पर हैं और बकरईद के टाइम पर भी, और हम सेवई खिला करके अपने भाई को डायमंड डायरेक्टर की मुबारकबाद देना चाहेंगे। थैंक यू, बहुत मजा आ रहा है कि मुझे लगता है कि पानी सर, थैंक यू सो मच सर। और यही वो कमरा है जहाँ पे हमने ज्वाइन करके, इसी कमरे के भीतर हम लोग आते थे ग्रुप बना के, और सर से काफ़ी कुछ सीखा करते थे कि सर प्लान कैसे होगा, कैसे प्लान देना है, प्रोडक्ट लोगों को कैसे प्रमोट करना है। और आज देखिए, रक्षाबंधन के दिन मैं आया हुआ हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बहुत खुशी इस बात की है पंकज जी, कि जब ज्वाइन कराया था तो 5% एक नॉर्मल से आदमी को ज्वाइन कराया था जो फार्मा में नौकरी करता है जी। और इस ये विश्वास इतना भी नहीं था कि ये सफर यहाँ तक पहुँचेगा, पर आज जो ये मुलाकात है, आज मैं एक डायमंड के साथ बैठा हुआ हूँ जो कि इस इंडस्ट्री का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है, और आज एक डायमंड मेरी टीम का एक हिस्सा बन गया, वो 5% का व्यक्ति। वो आपका डेडिकेशन, डिवोशन कहते ना, अगर आप अपना एफर्ट, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट सही प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं तो आपको आउटपुट बहुत बड़ा मिलता है। और वही चीज हुआ मेरे ख्याल से 7 साल फार्मा के अंदर, 7 ईयर फार्मा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में सन फार्मा लेबोरेटरी लिमिटेड के अंदर। कहाँ पे सर? सिक्किम में रहे। और कितनी हाईएस्ट सैलरी रही आपकी? हाईएस्ट पे आउट वहाँ पे लगभग 60,000 के आसपास रही, और लगभग 60,000 पे। और जब रिजाइन किया था आपने तो उस टाइम पे 60,000 के आसपास, 60,000 के आसपास मैंने रिजाइन किया था, 60,000 पर रिजाइन किया था। स्टार हो गए थे तब के, कब? सिल्वर पे। वहाँ पे मैं ब्रांड डायरेक्टर नहीं, यहाँ पे आके ब्रांड डायरेक्टर बना 14% के लिए। 14% पे आपने डिसाइड किया था कि डायरेक्ट सेलिंग में हम अपना करियर बनाएंगे। 3 साल हो गए हैं, और 7 साल में 60,000 रुपए की पे आउट। एंड अगर पर्सनली आप अगर टच करना चाहेंगे पंकज जी को, कुशीनगर के स्पेशली जितने भी लोग हैं पूर्वांचल साइड से, आप इनको पर्सनली, इनका स्टेटमेंट सर्च करिए। पिछले तकरीबन पौने दो साल से मेरे ख्याल से 80,000, 90,000, 1,00,000 के आसपास का चेक है। 1.5 साल से लगातार 80,000, 90,000, 1,00,000, 1.25 लाख के आसपास का चेक है मिस्टर पंकज पांडे का, और 7 साल में सिर्फ 60,000 रुपए। और इनसिक्योरिटी और लाइफ वही, कभी डे शिफ्ट तो कभी नाइट शिफ्ट। और आज हम लोग सैनिटाइजर समझ रहे हैं, सैनिटाइजर उस टाइम पे आप लोग बहुत बड़े जमाने पर, बहुत ज्यादा। तो स्पेशली मैं आप सभी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जहां से भी आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, वेस्टीज का बिजनेस बहुत ही प्यारा है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि एक बार ये वीडियो आपको जिसने भी भेजा है उस व्यक्ति से बैठ करके जानने की कोशिश करिए कि कैसे डायमंड बना जाता है, कैसे लाख रुपए की आमदनी से प्रोडक्ट चेंज करके आ सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई भी सपना बचा है और आप उसको पूरा करना चाहते हैं और आपके पास और कोई माध्यम नहीं है, तो ये एक माध्यम डायरेक्ट सेलिंग बन सकती है। बाकी वंस अगेन मुबारकबाद सर को। मैं क्या कहूँ, बहुत अंदर से खुशी हो रही है जब सर मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि तो इसी कमरे से 14% से उठकर डायमंड लेवल तक जाना, ये बहुत बड़ी बात है। वक्त बीत गया, वेस्टीज बड़ी हो गई, वेस्टीज के लीडर बड़े हो रहे हैं, समझ में जैसे आ रहा है कि अभी हमने शुरुआत करी, अभी शुरुआत करी है। हर पल नया लग रहा है, बिल्कुल सही, और मजा आ रहा है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद हम लोग गला फाड़ फाड़ के पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला रहे होते। बिल्कुल, लेकिन आ रहा होता, डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा होता, बिल्कुल। लेकिन जो हमारे पास सुविधा है उसके हिसाब से हमें मैसेज आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, ताकि आप भी हिंदुस्तान के जिस भी कोने में हो, आप डिसीजन लें। अगर रिस्क एबिलिटी आपके पास नहीं है, तो सही कहा है ना कि किसी ने एक, मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन मैं सर से बात कर रहा था, कि
कि वो अमेरिकन उद्योगपति है, भारतीय है, भारतीय मूल के अमेरिकन उद्योगपति। वो कहते हैं कि अगर व्यवसायी बनना चाहते हैं आप और आपको रिस्क लेने की क्षमता अगर आपके पास नहीं है तो आपको बिजनेस की जमात से हट जाने में ही भलाई है। Exactly. आप बिजनेस की जमात से हट जाइए, आप न आइए। तो आप रिस्क लीजिए, जहां भी हैं आप एक छोटा सा रिस्क लीजिए। और वेस्टिज में रिस्क कैसा, आपको महज केवल अपने प्रोडक्ट बदलने हैं और उनको शेयर करना है लोगों से, अपने आसपास के लोगों से शेयर करना है। धीरे धीरे देखेंगे आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, लोग आपके साथ होंगे और देखते ही देखते एक बड़ा कारमा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होगा और आप वेस्टिज प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके सबसे हाईएस्ट लेवल को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आप जहां भी हो एक छोटी सी शुरुआत करिए, हमने भी एक छोटी सी शुरुआत करी थी। सफलता किसी बड़े काम का नतीजा नहीं है, ये छोटे छोटे काम का नतीजा है या बड़े रूप में परिवर्तित होती है इंसान के जीवन में। तो जहां कहीं भी है, जिस परिस्थिति में है, शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, हैप्पी रक्षाबंधन पूरे देशवासियों को, पूरे वेस्टिजियन को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, टीम हैप्पी वॉरियर को। टीम हैप्पी वॉरियर अगर जो टीम हैप्पी वॉरियर के अलावा भी अदर जितने भी ग्रुप हैं हमारे वेस्टिज फैमिली से, उन सबको जो भी हमें सुन रहे हैं दिल से मुबारकबाद। रियल में डायमंड बनके खुशी हो रही है, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। ये खुशी शब्दों में बयान नहीं होती है। मुझे आज भी याद है जब मैं डायमंड बना था और मैं पहला ऐसा लड़का था जो कुशीनगर जिले में डायमंड बना था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। हालांकि लोग तो बड़े ही अजब निगाह से देखते हैं डायरेक्ट सेलर्स को, पर जैसे जैसे विश्वास बढ़ा, लोग आए, कारवा बढ़ा, आज पांचवा डायमंड हमारे जिले से। और आज नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ रहे, सफलता बना रहे, बहुत खुशी हो रही है। और ब्रांड न्यू डायमंड को, एक अनजान मुलाकात को आज डायमंड बन करके देख करके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। Once again, congratulations. Thank you so much, buddy. आओ मिल करके कुछ बड़ा करते हैं। Thank you.